लखनऊ में बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश, पति के आरोपों के बाद काटी हाथ की नस। आश्री पत्नी को जख्मी हालत में पहुंचाया गया अस्पताल, पति और ससुराल वालों को बताया जिम्मेदार। खुदकुशी की कोशिश से पहले आयुष की पत्नी ने जारी किया था वीडियो, आयुष पर जिंदगी बर्बाद करने का लगाया था आरोप, अपनी जान देने की दी थी धमकी। उस पर गोली चलवाने की साजिश रचने का आरोपी है बीजेपी सांसद का बेटा आयुष, पुलिस के खुलासे के बाद पत्नी पर मढ़े थे आरोप। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने कल लखनऊ में दर्ज कराया अपना बयान, साजिश का खुलासा होने के बाद से था फरार। बंगाल चुनाव में आज दिग्गजों की रैलियों का दिन, झारग्राम और बांकुड़ा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी रैलियां। रविवार की शाम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने किया रोड शो, लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। रोड शो के दौरान आज तक से अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत, बंगाल में जीतेंगे कम से कम 200 सीटें। वंदे मातरम के जय घोष से अमित शाह ने बढ़ाया समर्थकों का जोश, करीब 1 किलोमीटर तक चला रोड शो। रोड शो के दौरान ममता सरकार पर बरसे अमित शाह, भ्रष्टाचार और तोलाबाजी की कमर तोड़ने का जताया संकल्प। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी पुरुलिया, दो रैलियों को करेंगे संबोधित। कल कोलकाता में ममता ने किया रोड शो, बीजेपी पर किए कई वार, कहा घायल शेर होता है और खतरनाक। ममता ने देश में लोकतंत्र पर हमले की कही बात, कहा हम कायरता दिखाकर नहीं मानेंगे हार। व्हील चेयर पर ही ममता करेंगी पूरे बंगाल का दौरा, बोली बंगाल के लोगों को मुझसे ज्यादा दर्द है। ममता के रोड शो पर बीजेपी का तंज, बोले बाबुल सुप्रियो नहीं चलेगा, सहानुभूति बटोरने का दाव। ममता को चोट मामले में चुनाव आयोग का सख्त फैसला, सुरक्षा निर्देशक विवेक सहाय के निलंबन का आदेश। चुनाव आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को भी किया सस्पेंड, बंदोबस्त में खामी के लिए केस दर्ज करने का निर्देश। पूर्वी मिदनापुर के डीएम विभु गोयल का भी तबादला, स्मिता पांडे बनेंगी नई जिलाधिकारी। बंगाल के मुख्य सचिव को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने का आदेश, 31 मार्च तक देनी होगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी की चोट का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 3 मौजूदा सांसदों को टिकट। रोलेगंज से बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे चुनाव, तारकेश्वर सीट से स्वपन दासगुप्ता बीजेपी उम्मीदवार। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजीव बनर्जी डुमजूर से लड़ेंगे चुनाव, सांसद निशित प्रमाणिक को भी टिकट। बंगाली फिल्म स्टार यश दासगुप्ता चंडीतला से ठोकेंगे ताल, बेहाला ईस्ट से अभिनेत्री पायल सरकार उम्मीदवार। चिंचुरा से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को मौका, अलीपुरद्वार से अशोक लाहिड़ी होंगे प्रत्याशी। बंगाल में बीजेपी को झटका, सोवन चैटर्जी और वैशाखी बनर्जी ने छोड़ा बीजेपी, टिकट नहीं मिलने से नाराज की। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बयान, कोई बीजेपी में नहीं रुकना चाहता, अब सांसद को दे रहे हैं एमएलए का टिकट। सिंगूर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दो वरिष्ठ नेताओं का कई घंटे तक किया घेराव। कोयला तस्करी मामले में आज अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों से पूछताछ, सीबीआई ने उनकी साली के पति और ससुर को भेजा है समन। कोलकाता में सुबह 11 बजे मेनका गंभीर के पति और ससुर को सीबीआई ने बुलाया, पहले मेनका से भी हो चुकी है पूछताछ। कल देर शाम दुर्गापुर पहुंची ममता बनर्जी, व्हील चेयर पर हाथ जोड़कर समर्थकों का किया अभिवादन। आसनसोल में भी संयुक्त किसान मोर्चा का सम्मेलन, किसान नेताओं ने की बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील। नादिया में टीएमसी ने ममता की चोट को बनाया मुद्दा, उम्मीदवारों पर दिखी मुख्यमंत्री की व्हील चेयर वाली तस्वीर। टीएमसी की एक और नेता स्वाति बनर्जी ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुई शामिल। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी में तकरार, दीवार पर पोस्टर चिपकाने को लेकर भिड़े दोनों पार्टियों के समर्थक। कांग्रेस ने बंगाल के लिए एक और लिस्ट जारी की, 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सियासी भविष्यवाणी, कहा 5 राज्यों में सिर्फ असम में जीतेगी बीजेपी। केरल के लिए बीजेपी ने जारी की 112 उम्मीदवारों की लिस्ट, सांसद के जे अल्फोंस भी लड़ेंगे चुनाव।
बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन का भी नाम, दो विधानसभा सीटों से ठोकेंगे ताल। पुडुचेरी में कांग्रेस को झटका, बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा से सांसद पी कन्नन। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक, करीब 600 नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल, राजनाथ सिंह का भी संबोधन। 11 जनवरी को हादसे में गंभीर रूप से जख्मी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ठीक होकर गोवा से दिल्ली पहुंचे, संसद सत्र में होंगे शामिल। गांधीपुरम में कमल हासन की कार पर एक शख्स ने हमले की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। 2022 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए अजहरुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा दोबारा नहीं बनेगी योगी सरकार। दिल्ली में बीजेपी के चुनावी वादे पर बरसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा ना कॉलोनी पक्की हुई ना घरों का रजिस्ट्रेशन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच राहत भरी खबर, N24 पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला एक फ्लाईओवर खोला गया। दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर स्थायी मकान बनाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया किनारा, कहा ऐसा निर्माण नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन और किसानों के समर्थन में आए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कहा किसानों की हालत खराब है, उनकी मांगों पर विचार करे सरकार। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। बागपत में एक समारोह में सत्यपाल मलिक ने कहा MSP को कानून के दायरे में करा दो तो मैं किसान आंदोलन को खत्म करा दूंगा। इंडिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे को 25 मार्च तक NIA रिमांड, कड़ी पूछताछ की तैयारी। बीती रात NIA के दफ्तर में सचिन वाजे का मेडिकल चेकअप, जानकारी के मुताबिक परेशानी की वजह से रात को बुलाया गया डॉक्टर। सचिन वाजे के वकील ने कोर्ट में कहा उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं, सिर्फ संदेह के आधार पर NIA ने पकड़ा। सचिन वाजे को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, बीजेपी ने की वाजे का नार्को टेस्ट कराने की मांग। बीजेपी की मांग पर शिवसेना का पलटवार, कहा मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची गई। ग्रेटनाडा के B3 में सब्जी खरीदने गए दंपति से कार लूट का बदमाश फरार, गन पॉइंट पर वारदात, आरोपियों को सुरग नहीं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में अपहरण की कोशिश, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गेहूं के खेत में भीषण आग, लाखों की फसल खाक। जोधपुर में घर में सो रही महिला पर चाकू से हमला, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने किया हमला, हत्या की कोशिश का केस दर्ज। मुर्शिदाबाद में चुनाव से पहले 16 बम जब्त किए गए, बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। पूर्वी चंपारण में दीवार गिरने से दो महिलाओं की मौत, एक बच्ची समेत 4 अन्य महिलाएं जख्मी। आगरमालवा में चोरी के शक में 3 युवकों की लोगों ने की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। मेरठ में पिता पुत्र ने खाया जहर, बेटे की मौके पर मौत। रायबरेली में नहर में नहाने गए 2 छात्र डूबे, तेज बहाव की वजह से अब तक उनका सुराग नहीं। अलीगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, नोएडा से पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार, कई सामान जब्त। नौरा में लिस्ट देकर यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, आरोपियों से 2 कार, हथियार और कैश बरामद। मेरठ में बाइक सवार 2 युवकों ने छात्रा पर किया हमला, लोगों ने पकड़कर की पिटाई। जयपुर में ACP रैंक पुलिस अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, रेप केस की पीड़ित के शोषण का आरोप। नोएडा के सेक्टर 58 में व्यापारियों से ठगी करने वाले 2 छात्र गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बनाकर करते थे वारदात। रामपुर में एक लड़की ने किया सुसाइड, मनपसंद लड़के से निकाह नहीं होने पर जान देने का शक। यूपी के हाथरस में टेम्पो कमीशन को लेकर विवाद में युवक को मारी गोली, घायल युवक को अलीगढ़ रेफर किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में प्रसाद के बहाने जहरीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में युवक का अपहरण कर नाक काटने की कोशिश, वीडियो वायरल। राजस्थान के सीकर में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, अफीम के 2600 से ज्यादा पौधों के साथ आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में शर्मनाक वाकया, चोरी के आरोप में 4 बच्चों को रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया। देश में कोरोना के ग्राफ में इजाफा जारी, अब नए केस के 26,000 के पार।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात, 24 घंटे में 16,620 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में 50 मरीजों ने तोड़ा दम, राज्य में 1,26,000 से ज्यादा हुए सक्रिय केस। पुलिस में भी कोरोना की तेज लहर, 1,740 नए मरीजों से मचा हड़कंप, 17 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मिले 1,023 नए मरीज, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। दिल्ली में भी 24 घंटे में 407 नए मरीजों की पुष्टि, 2 कोरोना मरीजों की मौत। हरियाणा में 440 नए मामले, राज्य में आज से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्लान, बढ़ते कोरोना ग्राफ पर रोक लगाने का प्लान। पंजाब में लगातार बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक, टेस्टिंग बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर दिया जोर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उर्स मेले में दिखी लापरवाही, बिना मास्क के दिखी हजारों की भीड़। होली की भीड़ को देखते हुए गया में रेलवे सतर्क, स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू। नागपुर में आज से पूरी तरह लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को राहत, 21 मार्च तक के लिए फैसला। 2022 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए सुखविंदर सिंह बादल का ऐलान, जलालाबाद से लड़ेंगे चुनाव। 1971 युद्ध की गोल्डन जुबली पर देशभर में कई कार्यक्रम, सेना के 1971 बैच के लिए दिल्ली के वॉर मेमोरियल में दी गई श्रद्धांजलि। हरिद्वार में हरिहर आश्रम और निरंजनी अखाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बोले महाकुंभ में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। पीलीभीत में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग ने बेहोश कर पिंजरे में किया कैद। अहमदाबाद के दूसरे T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को दी 7 विकेट से करारी शिकस्त, 13 गेंद बाकी रहते हासिल किया 165 का लक्ष्य। भारत की ओर से कप्तान कोहली की शानदार पारी, महज 49 गेंदों में बनाए नाबाद 73 रन। अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 खेल रहे ईशान किशन का भी धमाल, महज 32 गेंदों में 4 छक्कों के साथ बनाए 56 रन। ऋषभ पंत ने भी खेली 26 रन की ताबड़तोड़ पारी, लेकिन शून्य पर आउट हुए केएल राहुल। इंग्लैंड की ओर से जेसन रॉय ने बनाए सबसे ज्यादा 46 रन, 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीम फिलहाल 1-1 से बराबर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।